An officer of the Border Security Force was injured when a shell fired by the Pakistan Rangers exploded near him in an overnight ceasefire violation in the RS Pura sector along the international border in Jammu. In the last 24 hours, 10 people, mostly women, were injured in the cross-border firing in the sector. Pakistani posts also targeted civilian areas including Saikalan, Burejal, Treva and Arnia. The government had issued an advisory and all the education institutions near the international border were closed in the wake of the firing from across the border. People were also moving to safer locations. A six-year-old boy and a BSF jawan were killed in the cross-border shelling in the RS Pura sector on October 24th. तो जे जो कल इधर 5 बजे के करीब जो शेलिंग हुई है उससे जे बम हमारे पशुओं के जो कमरा है उसके ऊपर पड़ा लेकिन पता नहीं कोई पशुओं की किस्मत चंगी कि बार-बार बच गए हैं और इतनी दहशत थी कि हम बाहर भी नहीं देख पाए हैं कि क्या हो रहा है इतनी शेलिंग हो रही थी और जे बहुत परेशानी है हमारे लोगों को और हमको भी है कि जो ये पाकिस्तान के साथ जो भी हो रहा है एक बार हर बार हो ही जाए तो अच्छी बात है ये रोज का भागो भागी है वो हमें इतना नहीं बहुत परेशान है हमें इस बात से कल 11 बजे फायरिंग होते हुए उसके बाद शाम 7:30 के करीब चलते रहा फायर धड़ाधड़ हम 5 आदमी पास खड़े थे जब पड़ा उसी टाइम हम ना भागने की कोशिश में रहे ना कुछ केला केला होकर बाहर भागे और उसके बाद कोई 3 बार मैं आर्मी और वालों को बताया आर्मी वालों ने कोई इसका कोई एक्शन नहीं लिया सरपंच को गांव को भी बताया पर सरपंच ने बोला चलो आर्मी वालों को बताएंगे आर्मी वाला कोई नहीं अभी तक का ना कोई लीडर आ चुका ना कोई एमएलए वगैरह कोई आया फिर गांव का एक पंच आया था सरपंच आया था सरपंच अभी आया था कोई दिन के 8 बजे करीब उसको भी अभी बोला कि इसको पटाओ हम ना अंदर जा सकते हैं ना बार-बार